के साथ बड़ी खबर श्रीलंका से, जहां पर 8 जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए थे और करीब 290 लोगों की जान चली गई थी। वहां पर आज आधी रात से आपातकाल लागू करने का फैसला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीलंकाई सरकार ने पहली बार इन हमलों के लिए जिम्मेदार संगठन का नाम लिया है। सरकार ने सीरियल धमाकों के लिए स्थानीय इस्लामी चरमपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमा यानी NTJ को जिम्मेदार बताया है। वहीं श्रीलंका से सटी भारत की समुद्री सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, श्रीलंका में आधी रात से आज इमरजेंसी लागू होगी। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने विस्फोटों की जांच के लिए इस बीच 3 सदस्यीय नियुक्ति की घोषणा कर दी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से आधी रात से आपातकाल लगाने की सिफारिश की गई थी, उसके बाद राष्ट्रपति ने इसका फैसला लिया। तो सीरियल बम धमाके, 8 बम धमाके हुए थे और करीब 290 लोगों की जान गई थी। रविवार को ये धमाके हुए थे और उसके बाद पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में आज आधी रात से इमरजेंसी लागू होगी। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने आज आधी रात से देश में आपातकाल लागू करने का फैसला किया है, ऐलान कर दिया है। इस बीच श्रीलंकाई सरकार ने पहली बार इन हमलों के लिए जिम्मेदार संगठन का नाम लिया है। जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि स्थानीय इस्लामी चरमपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमात इन धमाकों के पीछे है। NTJ उसका नाम है, नेशनल तौहीद जमात। इस बीच विस्फोटों की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। आज आधी रात से इमरजेंसी लागू होगी श्रीलंका में। इस वक्त की बड़ी खबर, 290 लोगों की जान गई थी। रविवार को ये धमाके 8 जगहों पर धमाके हुए थे और मरने वालों में करीब 35 विदेशी नागरिक हैं। आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ कोलंबो से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात की सिफारिश की थी कि आधी रात से इमरजेंसी लागू हो जाए और उसके बाद इन पूरे धमाकों की जांच हो और जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए, और इस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है इस फैसले पर। राकेश, माफी चाहता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं दर्शकों को दिखा दूं, ठीक केवल कुछ सेकंड पहले मेरे ठीक पीछे एक बम एक्सप्लोड हुआ है और एक्स्ट्रा फोर्सेस यहां पर बुला दी गई है। आर्मी और जो ATS है उन सबको यहां पर बुला दिया गया है। लगभग केवल 25 सेकंड पहले यहां पर एक बम डेटोनेट किया गया है, एक वैगनार बम में। मैं उस इलाके में हूं कोलंबो के, जहां पर ठीक में से इस गली के ठीक पीछे आपको जो दिखाई देगा, यहां से 20 मीटर दूर केवल अंदर वो चर्च है जहां पर एक्सप्लोजन हुआ था, और वहीं पर लगभग आधे घंटे पहले एक और गाड़ी में बम पाया गया, जिसके बाद में यहां पर ये टीम आई है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पर जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो भी डिप्लॉय की जा रही हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है, सिविलियंस को खाली कराया गया है, जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, ये सब कुछ पिछले 2 मिनटों में ही हुआ है। एक गाड़ियां यहां पर आपको दिख रहा है कि पुलिस की जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसने गाड़ी इस तरह से लगा कि पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया है। धुआं अब भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जो लगभग 35-40 सेकंड पहले यहां पर ब्लास्ट हुआ है, और यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, आर्मी, पुलिस, सब लोगों ने पूरी तरह से एरिया को कॉर्डन कर दिया है। केवल और केवल जो अपडेट जर्नलिस्ट हैं उन्हें उसके कुछ सीमा तक ही जाने का मौका मिल रहा है। उसके अलावा यहां पर एक और बम, मुझे बताया गया है कि एक और बम मिला है। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाई मूवमेंट हो रहा है। यहां पर पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी इनके स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स और जो लोग हैं, चाहे वो ID एक्सप्लोड करने वाले हों या फिर डेटोनेट करने वाले, उन सभी लोगों को यहां पर बुला दिया गया है। पूरी तरह से एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। क्लियर इंडिकेशन है कि एक और बम मिला है। अगर दर्शकों को दिख पाए, यहां पर एक जो धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, काला, वो ठीक उसी जगह से आ रहा है। केवल 25 से 30 मीटर दूर यहां से वो बम एक्सप्लोड हुआ है। काफी बड़ा धमाका था, काफी बड़ी आवाज थी। मैं उस चर्च की तरफ बढ़ रहा था वहां से ग्राउंड रिपोर्ट फाइल करने के लिए, वहां से अगला लाइव करने के लिए, कि लोग वहां पर क्या प्रेयर करने के लिए आ रहे हैं या नहीं, क्या हालात है वहां पर। लेकिन जैसे मैं वहां पर बढ़ रहा था, इसी टर्न पर जो ये रोड का टर्न है,
यहाँ पर अचानक से पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने रोक दिया, क्योंकि वहां पर एक तुरंत बॉम्ब मिला वैगनार में और उसे तुरंत बाहर लेके आके जो बीडीडीएस है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, उसे तुरंत बाहर आया और उसे खुले में एक्सप्लोड कर दिया। और मेरे पीछे आपको एक हल्का सा अगर दर्शकों को काला धुआं आता हुआ दिखाई देगा, ये ठीक उसी जगह से है, लगभग यहाँ से 30 से 35 मीटर दूर इस पतरे के पीछे, वो जो स्टॉप का बटन लगा उसके ठीक पीछे वहां पर बॉम्ब ओपन एरिया में एक्सप्लोड किया गया। क्योंकि ये बॉम्ब जिस धुएं का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वहां पर बॉम्ब को कंट्रोल एक्सप्लोड किया गया है ताकि उसे डिफ्यूज किया जा सके, अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो? जी जी बिल्कुल, ये एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था जिस तरह से बॉम्ब को तुरंत बाहर लेके आया गया। मेरे सामने ये सारी गतिविधियां हुई है और पहले पब्लिक को अपडेट जर्नलिस्ट हैं उन्हें बाहर वहां तक आने के लिए अनुमति दी जा रही थी, लेकिन डेढ़ दो मिनट पहले तुरंत वहां पर उसी कॉर्नर पर रोक दिया गया और हमें तुरंत बोला गया कि इस एरिया को इवैक्यूएट कर दीजिए। जो गाड़ियां थी उन्हें सबको खाली करा दिया गया, जो जल्द से जल्द हट सकता था वहां से हटाया गया, जो अगल बगल में घर थे उन सभी को खाली करा दिया गया जितनी जल्द से जल्द एक डेढ़ मिनट में हो सके। और सिविलियंस आपको दिखाई देगा कि बाहर आ गए हैं और अब आर्मी के कुछ और पर्सनल भी यहां पर आ गए हैं, ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जा रही है ताकि जो एरिया है उसे कॉर्नर ऑफ किया जा सके। ठीक है, चलिए आशीष चलिए फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष हमारे साथ कोलंबो से लगातार बने हुए, आगे भी उनसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ा फैसला श्रीलंका में लिया गया है कि वहां पर आज आधी रात से इमरजेंसी लागू होगी। इस बीच कई जगहों पर वहां पर अभी बम पाए जाने की खबर है, जैसा कि आशीष दिखा रहे थे कंट्रोल्ड एक्सप्लोड किया गया है, इसके बाद डिफ्यूज किया गया है उस बम को। चर्च के पास एक और बम जो कि वैगनार में रखा हुआ था वो वहां पर पाया सुरक्षा बलों ने। आगे बढ़ते हैं, अपडेट आपको श्रीलंका की गतिविधियों पर हम लगातार देते रहेंगे।